नमस्ते, मेरा नाम रमनजीत कौर है और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज पंजाब के बारे में बोलने जा रही हूँ। पंजाब का अर्थ है 5 नदियों की धरती। आज़ादी से पहले पंजाब का क्षेत्र बहुत बड़ा था। विभाजन के बाद आधा पंजाब भारत के हिस्से में आया और 1 नवंबर 1966 को फिर से इसके 3 भागे हुए और 2 नए प्रांत निकाले गए, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। भारत की सीमा एक ओर से पाकिस्तान से मिलती है। पंजाब को पहले सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता था। पंजाब में कुल 23 जिले हैं और इसका कुल क्षेत्रफल 50,362 किलोमीटर है और इसकी राज्य भाषा पंजाबी है। पंजाब के 3 बड़े जिले जलंधर, अमृतसर और लुधियाना राष्ट्रीय मार्ग 1 से मिलते हैं और लुधियाना हौजरी के सामान के लिए, जलंधर खेलों के सामान के लिए और अमृतसर एक ऐतिहासिक नगर है और ये पंजाब का तीर्थ है। यहाँ पर जलियांवाला बाग, बाघा बॉर्डर, यहाँ स्वर्ण मंदिर भी है जहाँ पर लोग दूर दूर से माथा टेकने आते हैं। और पंजाब के लोगों का मुख्य कार्य खेती है और यहाँ पर खेती बाड़ी को लेकर लुधियाना में एक खेतीबाड़ी विश्वविद्यालय भी है और पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में भी सबसे आगे हैं। और पंजाब में सबसे बड़े 4 विश्वविद्यालय हैं और पंजाब ने स्वच्छता अभियान में भी अपनी अच्छी भूमिका निभाई है। पंजाब एक गुरुओं पीरों की धरती है जिसको श्री गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की वीरता प्राप्त हुई है। किरत करो वर्ण शकों पे चलने वाले पंजाब भारत का सबसे खुशहाल प्रांत है। धन्यवाद।